नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा की चिक्की। तो देखिए, इसके लिए हमने 250 ग्राम पोहा ले लिया है, ये इजली मार्केट में मिल जाता है। और 250 ग्राम जेगरी ले ली है, 50 ग्राम सफ़ेद तिल ले लिया है, आधा चम्मच क्रश किया हुआ अदरक है और आधा चम्मच देसी घी है। तो चलिए चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए पोहा को सबसे पहले रोस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कढ़ाई ले लिए, कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी। अब हम इसमें पोहा को डाल देते हैं और इस तरह से इसे रोस्ट करेंगे। 3-4 मिनट तक इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पोहा हमारा रोस्ट हो गया है। इस तरह से मसलते हैं तो ये टूट जाती है, मतलब ये रोस्ट हो गया। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम तिल को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम मीडियम रखेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, तिल भी हमारी रोस्ट हो गई है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, वापस से पैन को रख लिए हैं। फिर से इसमें डाल देंगे सबसे पहले घी। घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें जेगरी डाल देते हैं और 1 चम्मच पानी डालेंगे। गैस होने देंगे। तो देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं, इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और फायदेमंद भी बनेगा। और जेगरी को आप हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा, क्योंकि ये जल्दी जलने का डर रहता है और लगातार चलाते रहना है, रुकना नहीं है। तो देखिए, गुड़ हमारा थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है। तो गैस को बंद कर देते हैं और पहले इसे हम चेक कर लेते हैं। एक प्लेट में पानी रखिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए उसमें, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। और देखिए, खटखट की आवाज़ें आ रही है, यानी कि एकदम सही हो पक गया है। अब हम इसमें अपना पोहा को डाल देंगे। तो देखिए, पोहा और तिल और जेगरी तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और जिस थाली में हम निकाल लेंगे उसमें हम पहले घी से ग्रीस कर लेंगे। थाली में हम थोड़ा सा घी डालकर पूरा थाली लगा दिए एक ब्रश से, हाथ से भी लगा सकते थे। अब हम इसमें निकाल लेते हैं इसे। थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लिया हल्का सा। अब इसे हम हाथ से पहले इसे बैठाते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, हम इसे अच्छी तरह से प्लेन कर लिए हैं और अब हम इसे काट देंगे। इसी समय आपको काट देना है, नहीं तो ये सूख जाती है और बहुत ही टाइट हो जाती है। इस पार्ट और इस पार्ट इसको हटा देंगे, किनारे से उतने अच्छे नहीं रहते हैं। अब हम एक बराबर की चिक्की काट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे हम काट दिए हैं और थोड़ी देर के बाद हम सारे को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, चिक्की हमारा सूख गया है और अब हम इसे सारे पीसेस को अलग अलग कर लेंगे और इसे हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चिक्की बनी है। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।